सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। वैसे तो शौक बड़ी चीज है, लेकिन शौक पूरा करने के लिए क्या कोई अपराधी भी बन सकता है? ऐसा ही मामला सोनीपत के सामने आया है, जहां एसटीएफ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए ही अपराध की दुनिया में चला गया। गिरफ्तार आरोपी बबलू नेशनल हाईवे 44 मुरथल से गिरफ्तार किया गया है। बबलू पर 5,000 का इनाम था। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बबलू पानीपत के गांव डेडवाड़ी का रहने वाला है और उसे कोई रोजगार नहीं मिला तो शुरुआत में उसने लड़ाई झगड़े शुरू किए थे और उसके बाद वो अपने शौक पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में चला गया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार एक के बाद एक अपराध को अंजाम देता रहा। आपको बता दें कि अभी तक बबलू पर हरियाणा और दिल्ली में 15 मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, डकैती, मारपीट और नशा तस्करी के मामले हैं। वहीं बबलू पर 5,000 का इनाम भी रखा गया था और 50,000 का इनाम प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ही बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। बबलू को सोनीपत की एसटीएफ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ बबलू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि उसके साथियों का भी पता चल सके। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये आरोपी है बबलू, इसको मुरथल से गिरफ्तार किया गया। उसको इसके साथ एक 9 mm कासला और 3 राउंड मिले हैं इसके। सर कितने मुकदमे इस पे पहले दर्ज थे, कितना इनाम था इस पे? इस पे 5,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है और 50,000 रुपये का इनाम इस पे प्रस्तावित किया गया है और लगभग इस पर 13 से 14-15 मुकदमे दर्ज हैं। किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं इस पे? NDPS के हैं, लूट के हैं, लड़ाई झगड़े के, चोरी के, गिरोहबंदी के, कई तरह के मुकदमे। किसी गैंग से जुड़ा हुआ था सर? अकेला ही वारदात नहीं, गैंग का ये खुद का अपना काम अपना ही करता था। गैंग इसकी खुद के अपने अलग से गैंग है। किस नाम से गैंग थी इसकी? गैंग की इसका कोई इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन ये काम कर रहा था बबलू डिडवाड़ी के नाम से ही ये काम कर रहा था। सर कुछ बताया अपराध है पूछताछ में कि इतने अपराधों को इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था? इसका आदतन है, ये प्रोफेशन है, चोरी वगैरह करता है, अपनी जरूरत के लिए करता था, डकैती है जरूरत के लिए कर, या पैसे की कमी के कारण? पैसे की कमी के कारण क्या था? नहीं, अपने शौक पूरा करने के लिए अभी आगे जो पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसको जैसा ही आपको बता दिया कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा। हाँ, कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेंगे, आगे पूछताछ करेंगे कैसे क्या है।